स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट सेशन में आपको स्वागत करता हूँ। आज से 31 अगस्त और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन स्टॉक के ऊपर आए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जो कल जब मार्केट ओपन होगा तो इन स्टॉक में आपको इन न्यूज़ का असर देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप ES स्टॉक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी स्टॉक न्यूज़ आए वो साथ ही साथ आप तक पहुँच सके। पहला जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहे वो जुनुआ ओवरसीज लिमिटेड शेयर की तरफ से मिल रहे हैं। अगर हम जुनुआ ओवरसीज शेयर की बात करते तो शेयर्स ने आज बोनस का अनाउंस किया है। जी तो यहाँ पर आपको बोनस मिलने जा रहा है। अगर हमें शेयर की बात करते हो तो देख सकते हो मार्केट में इसका वैल्यू है 10.75 रुपये और यहाँ पर आपको 4:23 रेशियो के साथ बोनस मिलने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने इस शेयर का 23 स्टॉक को होल्ड करोगे तो आपको 4 शेयर बोनस में मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दी स्मॉल कैप कंसल्टेंसी सर्विसेज एंटिटी अप्रूव्स बोनस शेयर्स इशूंस इन 4:23 रेशियो। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज शेयर से और यहाँ पर आपको 4:23 रेशियो के साथ इसका बोनस का अनाउंस हुआ है। अगर हम इसके न्यूज़ की बात करें तो ये आज का न्यूज़ है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए द बोर्ड मीटिंग ऑफ जुनुआ ओवरसीज वॉज लाइन अप टूडे डेट इज 31 अगस्त 2022। मतलब आज इसका मीटिंग हुआ था जिसमें फैसला ली गई कि आपको यहाँ पर बोनस शेयर्स मिल जाएंगे और ये आज का AGM मीटिंग में फैसला ली गई है। अगर हम इसका रिकॉर्ड डेट और एक्सपायरी डेट की बात कर लेते तो फिलहाल जुनुआ ओवरसीज शेयर की तरफ से कोई भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर नहीं है। अगली जो AGM मीटिंग होगा उस मीटिंग में आपको ये फैसला लिया जाएगा कि इसका रिकॉर्ड डेट कितना तारीख को रखा जा सकता है। फिलहाल जितनी तारीख को इसका रिकॉर्ड डेट निकल कर आएगा मैं आपको साथ ही साथ वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूँगी। दूसरा जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों वो इन्फोसिस लिमिटेड शेयर की तरफ से मिल रहा है। इन्फोसिस जो IT का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है लेकिन इन्फोसिस की तरफ से पिछले कुछ दिनों से सिर्फ बुरी ही बुरी न्यूज़ आ रही है। आज भी यहाँ पर बैड न्यूज़ निकल कर आ रहा है इन्फोसिस के लिए। अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा पिछली एक सप्ताह या 10 दिन से इन्फोसिस लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। गैप अप ओपन होता है कभी कभी नीचे गिर जाता है लेकिन इस बार जो आज जो न्यूज़ आई है इस न्यूज़ से कल और ज़्यादा गिर सकते हैं। आपको गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस है। तो चलिए इन्फोसिस में बैड न्यूज़ क्या है। देखिए बैड न्यूज़ यही है कि इन्फोसिस सेल एंटर स्टेक इन US बेसिड ट्रेफैक्टा फॉर $12 मिलियन। मतलब जो ट्रेफैक्टा में इन्वेस्ट किया था $12 मिलियन का ये कल इसका सारे एंटिटी सारे स्टेक को यहाँ पर सेल करने जा रहे जो इनके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। ये फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब US मार्केट में इन्वेस्ट किया था जो ट्रेफैक्टा और ये $12 में कल सेल करने वाला है। अगर हम इसका क्वांटिटी की बात करते हैं तो कितना तारीख को ये बाय किया था। चलिए ये बहुत पहले बाय किया हुआ था लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करके रखा था इन्फोसिस ने। देखिए 2016 में इसको होल्ड किया था मतलब इसे बाय किया था उसके बाद लगातार इसे होल्ड करके चला गया। मतलब 7 साल बाद आज जो है यहाँ पर इसे सेल करने जा रहे हैं। लगभग इसे $4 मिलियन से बाय किया था और यहाँ पर इन्फोसिस ने इसे $12 मिलियन पे सेल करने जा रहा है। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर होल्ड करते हो बाय करते हो तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है लेकिन अगर आपने सेल करने जा रहे तो आप कह सकते हो कि आपके लिए बुरी न्यूज़ है। तो इन्फोसिस का स्टॉक में कल गिरावट आ सकती है आप इसे फोकस में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल मार्केट किस प्रकार का लेता है अगर अच्छी तरफ से लेते हैं तो मार्केट में आपको जो है तेज़ी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर मार्केट बुरी तरफ मिल जाता है इसे लेते हैं तो मार्केट फॉल हो सकता है। लेकिन फिलहाल कल इन्फोसिस का स्टॉक में आप ज़रूर फोकस में रख सकते हो। उसके बाद जो अगला न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रहे वो TD पावर सिस्टम शेयर की तरफ से मिल रहा है। अगर हम TD पावर शेयर की बात करें तो इस शेयर्स के तरफ से यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस हुआ है। मतलब इस स्टॉक ने 1:5 रेशियो के साथ स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। अगर हम TD पावर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हो इसका मार्केट में वैल्यू है ₹585 और अगले ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो ₹10 तेज़ी के साथ मार्केट क्लोजिंग दिया। लगभग 2% तेज़ी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो TD पावर शेयर को भी कल फोकस में रख सकते हो। इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी मिल सकती है क्योंकि 1:5 रेशियो के साथ स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो TD पावर अनाउंसेस 1:5 स्टॉक स्प्लिट। यहाँ पर TD पावर ने 1:5 रेशियो के साथ स्टॉक का स्प्लिट का अनाउंस किया है। और अगर हम इसका रिकॉर्ड डेट की बात कर लेते हैं कि कितना दिन को कितना तारीख को ये इसका स्प्लिट होगा तो देखिए कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं है लेकिन ये रिकॉर्ड डेट आएगा। कब आएगा तो देखिए ये अगली ट्रेडिंग सेशन में सॉरी अगली AGM मीटिंग में निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विल बी डिसाइड एट द
फोर्थकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब अगली जब जनरल मीटिंग होगा एजीएम मीटिंग, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसका रिकॉर्ड डेट कितना तारीख को हम रख सकते हैं। फिलहाल तब तक आपको ऐसे कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं आएगा, मान के चलना है, मतलब जब भी रिकॉर्ड डेट आ जाएगा आपको मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद जो अगला न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों, वो अदानी के सारे स्टॉक्स और साथ में संवर्धना मदर्स उनके तरफ से मिल रहे हैं। तो देखिए अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और संवर्धना मदर्स और साथ में अदानी का सारे स्टॉक्स एक इंडेक्स में ऐड होने जा रहे हैं। इंडेक्स का नाम क्या है? तो देखिए इंडेक्स का नाम है MSCI इंडिया इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या स्टॉक है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, अदानी ग्रीन है और अदानी ट्रांसमिशन। ये पांच स्टॉक अदानी की तरफ से निकल कर आया और साथ में संवर्धना मदर्सन, इनसे स्टॉक को MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड करने जा रहे हैं कल। वैसे हम जानते हैं कि MSCI इंडेक्स होता है क्या, चलिए MSCI इंडेक्स होता है जैसे आप डाउ जोन्स की बात करते हैं, तो डाउ जोन्स जैसा इंडेक्स है इंटरनेशनल, वैसे MSCI इंडेक्स भी एक इंडेक्स होगा जिसमें भी आपको सब ऑल टाइम आपको ट्रेडिंग मिलेगा। और साथ में डाउ फ्यूचर की बात करें या आप नैसडैक की बात करें, तो इस प्रकार का सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन MSCI इंडेक्स फ्यूचर में। तो आप कह सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर या अदानी पोर्ट, अदानी के सारे स्टॉक साथ में संवर्धना मदर्सन, तीन स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इनको यहाँ पर इंडेक्स में जगह मिल रहा है, वो भी वो इंडेक्स जो आपको आप कह सकते हो इंटरनेशनल इंडेक्स, तो इंटरनेशनल में आपको ट्रेड करने वाला है। तो आप कह सकते हो MSCI इंडेक्स में ये ऐड होना इनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो कल के दिन आप अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और साथ में संवर्धना मदर्सन, इन सारे स्टॉक्स को नज़र रखिएगा, फोकस में रखिएगा। अच्छी खासी मूव इन स्टॉक में मिल सकते हैं, अच्छी खासी तेज़ी मिल सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इनको MSCI का इंडेक्स में ऐड करना जा रहे कल का दिन। अगला जो स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों, वो साई आनंद कमर्शियल शेयर की तरफ से मिल रहा है। अगर हम साई आनंद कमर्शियल शेयर की बात करें, तो इस शेयर की तरफ से 1:1 रेशियो का बोनस का ऐलान हुआ था और इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पर आज निकल कर आ चुकी है। जैसे अगर हम साइन कमर्शियल शेयर की बात करें, तो यहाँ पर 14.75 रुपये इसका वैल्यू है, जो आप कह सकते हो पैनी स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है और इसके तरफ से जो 1:1 रेशियो का बोनस का ऐलान हुआ था, इसका रिकॉर्ड डेट आज निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 अक्टूबर को इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है, मतलब ये बहुत दिन बाकी है आपके लिए, अभी से और एक डेढ़ महीना बाकी है। 8 अक्टूबर सैटरडे को इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है इसका 1:1, मतलब अगर आपको बोनस शेयर साई आनंद की तरफ से 1:1 रेशियो को, तो आपको 8 अक्टूबर से पहले इसका स्टॉक को बाई करना होगा, इसके लिए आपको बहुत दिन बाकी है। इस बार हम दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के लेके। बहुत सारे इन्वेस्टर को यह सवाल है, क्या हम टाटा पावर को क्या करें। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम टाटा पावर से अभी एग्जिट ले लें, क्योंकि अगर हम अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर तो कहाँ पहुँच गया, मतलब 400 का लेवल तक अदानी पावर पहुँच गया, लेकिन टाटा पावर वही की वही रह चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर टाटा पावर से एग्जिट ले सकते हैं या हम अभी और इंतज़ार करें। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये टाटा कंपनी है, ये टाटा पावर है, वैसे कैसे कंपनी नहीं है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मंगलवार के सेशन में टाटा पावर ने एक बहुत ही अच्छी क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर दिया टाटा पावर ने। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि टाटा पावर अगले 10-15 दिनों में एक तूफान जैसा तेज़ी यहाँ पर मिल सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ, देखिए फिलहाल स्टॉक के ऊपर कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन टाटा पावर ऐसा कंपनी है और अगर इस लेवल को ब्रेक किया, जो रेजिस्टेंस था आपको 235 का जो लेवल था, 235 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल था, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था टाटा पावर को, लेकिन इस टाटा पावर ने मंगलवार को सेशन को 235 लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर स्टे कर गया। तो देखिए टाटा पावर अगले 10-15 दिनों में मैं कहता हूँ कि ये 50-55 का लेवल तक जाता हुआ जरूर नजर आएगा। जी हाँ, 250 या 255 के ऊपर जाने की पूरा चांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाटा पावर में। वैसे बहुत ही शानदार कंपनी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब दे रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि टाटा पावर से हम एग्जिट ले लें। लेकिन भाई ये टाटा पावर है, आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपने इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अदानी पावर जितना रिटर्न दे देना, उससे कोई गुना रिटर्न अच्छे देने का दमखम टाटा पावर रखता है।
तो टाटा पावर को सेल करने का कभी भी मत सोचिएगा। आप चाहे कहीं भी एंट्री ले लो, आप अगर 250 पे भी एंट्री लेके बैठ गई है, आप अगर 280 पे भी एंट्री लेके बैठ गए, तो मैं आपको फिर कहूँगा कि आप होल्ड करके चलिए टाटा पावर को। वैसे स्टॉक के ऊपर कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 दिनों में टाटा पावर 255 या 60 का लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। इसका पूरा चांस है, क्योंकि जैसे टाटा पावर ने 235 का लेवल को ब्रेक किया, सारे एक्सपर्ट को यहाँ पर कल देखिएगा, कल जैसे मार्केट ओपन होगा तो टाटा पावर के ऊपर अच्छे खासी यहाँ पर बाय कॉल आना शुरू हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपने टाटा पावर पे एंट्री ली है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट करने की कोई भी मत सोचिएगा। आप यहाँ पर बने रहिए इसके साथ, अदानी पावर से भी अच्छे रिटर्न देने का कदम से कम रख सकते हैं। और यहाँ पर भागने का टाइम आ रहा है टाटा पावर में, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है।